खबरों के लिए न्यूज हरियाणा को सब्सक्राइब करें। करीब 26 दिन पहले 5 साल का कार्तिक हत्यारी व्यवस्था की भेंट चढ़ गया था। स्कूल बस के फर्श के छेद से निकलकर टायर के नीचे आने से उस मासूम की दर्दनाक मौत हुई थी। दिल दहला देने वाली घटना को 26 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक कार्तिक को इंसाफ नहीं मिला। सिस्टम से विश्वास उठा तो कार्तिक के माँ बाप और उसके रिश्तेदारों ने इंसाफ के लिए सचिवालय के सामने आमरण अनशन करना शुरू कर दिया। परिवार का कहना है कार्तिक तो चला गया, लेकिन उसकी मौत के जिम्मेदार को सजा जरूर दिलाएंगे। शायद घटना के 26 दिन के बाद भी कार्तिक को इंसाफ नहीं मिला। कार्तिक के माँ बाप का आरोप है कि स्कूल बस के ड्राइवर को तो गिरफ्तार करके खानापूर्ति कर ली गई, जबकि स्कूल का मुख्य प्रबंधक पुलिस की पकड़ से बाहर है। परिवार का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते प्रबंधक को गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरा सोचिए, जिस माँ बाप का बेटा अचानक किसी लापरवाही की वजह से काल का ग्रास बन गया और उसी माँ बाप को इंसाफ के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, अब अनशन पर भी बैठना पड़ रहा है। ऐसे में सिस्टम पर सवाल उठने तो लाजमी है। आज 19 तारीख को मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया था। स्कूल वाले तेज बोलना जी, क्या हुआ था? मेरे बच्चे की मौत डेरा बाबा जोश हजार की तरफ से उनकी लापरवाही से मेरे बच्चे की मौत हो गई थी, जिसको लेके पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी। आज उसको 26 दिन हो चुके हैं, इन लोगों के पास एक भी कोई नहीं पकड़ा जा रहा। कल एक डेरा प्रबंधक इन्होंने पकड़ा था, महेंद्र दास, वो कल बहाना बना के वहाँ कहता है कि मेरे दर्द हो गया, वहाँ से चला जाता है। और पुलिस वाले से हम पूछते हैं, इन लोगों को ये नहीं पता होता कि वो कौन से हॉस्पिटल में है, कहाँ गया है, किसी को कुछ नहीं पता। सब लोग कहते हैं हमें नहीं पता कहाँ गया है, और ये लोग कहते हैं कि हम पकड़ के लाए हैं। जब ये लोग पकड़ के लाए हैं तो भी वो कहाँ गया? जब ये लोग पकड़ के लाए तो वो उन्हीं के साथ होगा ना, जो पुलिस की कार्रवाई की, पुलिस उनको लेके आई तो पुलिस उनको अपने साथ लेके जाएगी। अब पुलिस वालों को ये भी नहीं पता कौन से हॉस्पिटल में है और कहाँ पे है। तो मैं इसलिए बैठा हूँ, जब तक मेरे बच्चे को ये लोग गिरफ्तार, उसको डेरा प्रबंधक महेंद्र दास को गिरफ्तार नहीं करके लाते और बस के चालक प्रधान, स्कूल का प्रिंसिपल, इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करते, तब तक मैं यहीं बैठा हुआ, मैं ना यहाँ से उठूँगा। उन्होंने एक स्कूल के नीचे बस के जहाँ पिछला टायर होता है उसके ऊपर एक फट्टा रखा हुआ था, जैसे ही वो स्पीड ब्रेकर से आया और फट्टा साइड हट गया, उसके बीच में बच्चा निकल गया। ये लोग कहते हैं कि एक्सीडेंटल है, ये एक्सीडेंटल नहीं है, इन लोगों की लापरवाही है और लापरवाही की सजा भुगत रहे हैं अपनी। ये पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, क्या वजह? पुलिस को पैसा चढ़ चुका है, इस वजह से ये कार्रवाई नहीं कर रहे ये लोग, कि 26 दिन तक इनसे एक बंदा नहीं पकड़ा जाता। परसों एक लड़की अगवा होती है, उसको ये लोग 4 घंटे में पकड़ाते हैं, क्योंकि वो गरीब था, इसलिए ये सबको सरेआम दिख रहा है बंदा, फिर भी ये लोग नहीं पकड़ पा रहे और ये कहते हैं फरार है। वो सरेआम घूम रहा है बंदा, कहते हैं फरार है, कहाँ फरार है वो बंदा? सभी नेताओं का दबाव है, कोई नेता आज तक मेरे घर नहीं आया, ना मुझसे बात करने के लिए आया। तो अभी इनसे बात भी हुई थी, वो लोग कहते थे कि हम इनकी गिरफ्तारी चुनाव के बाद ही हो पाएगी, इससे पहले नहीं होगी। ये 19 तारीख को हुआ था, 19 मार्च को, आज 26 तारीख हो चुकी है। खबरों के लिए न्यूज़ हरियाणा को सब्सक्राइब करें।